Hello student, today we are going to start a new chapter from your EVS book, chapter 6, working with dignity. तो वर्क डिग्निटी के साथ हम वर्क कैसे कर सकते हैं. वर्क तो सभी करते हैं लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसमें ऐसे. तो नया टॉपिक है डिविजन्स ऑफ लेबर, यानी कि लेबर कैसे काम करते हैं और उनकी कौन कौन सी डिविजन्स होती हैं. वी लिव इन सोसाइटी, डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब इन अ सोसाइटी, बट देर आर सम हेल्पर्स नेम फार्मर, क्राफ्ट्समैन, फैक्ट्री वर्कर एंड अदर प्रोड्यूसर्स एंड अदर्स आर डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्स, स्वीपर्स एंड मेड्स. तो ये सब हमारे हेल्पर्स हैं जो हमारी डेली लाइफस्टाइल को इजीली वे में जाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं. तो ये उनके ऑक्यूपेशन हैं. तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर वैल्यूज एंड पीपल हु हेल्प अस. तो जो हमें वर्क में हेल्प करते हैं, जैसे कोई सफाई कर्मचारी है, उसका वो ऑक्यूपेशन है, तो उसको हमें वैल्यू को रेस्पेक्ट करना चाहिए. कोई सब्जी वाला है, उसकी भी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए. सम पीपल वर्क फॉर फ्री टू सर्व एंड कम्युनिटी, दे आर कॉल्ड सोशल वर्कर. तो वो सोशल वर्कर कहलाते हैं जो अपना काम फ्री में करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, जैसे पौधे लगाने वाले, जैसे फ्री सर्विसेज हमें देने वाले. दूसरा टॉपिक आता है हमारा डोमेस्टिक हेल्प. तो डोमेस्टिक हेल्प क्या होती है, जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे हमें दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, तो इसमें हमारी जो हेल्प करते हैं वो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं. ये एसेंशियल सर्विसेज होती हैं जैसे झाड़ू पोछा बर्तन करने वाला, न्यूज़पेपर वेंडर्स एंड स्वीपर्स, स्वीप द रोड्स एंड मिल्कमैन डिलीवर अस टू मिल्क. तो ये हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनके बिना हमारी डेली लाइफ ईजी टू वे में नहीं जा सकती. तो हमें इनका थैंकफुल होना चाहिए अपनी डेली वर्क कंप्लीट करने में. हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं. तो हम वॉशरमैन की हेल्प लेते हैं, दूसरे मेड सर्वेंट्स होते हैं, गार्डनर होते हैं, तो ये भी हमारे डेली वर्क में हमारी हेल्प करते हैं. अ ग्रोसर सप्लाइज द ग्रोसरी, वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल दीज हेल्पर्स. इमेजिन इफ द स्वीपर डज नॉट रिमूव द गार्बेज फ्रॉम द स्ट्रीट. क्या होगा अगर गार्बेज हमारी स्ट्रीट से रिमूव नहीं होगा, हमारे यहाँ पर एक अनहाइजीनिक और अनक्लीन एनवायरनमेंट फैल जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक होता है डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि हमें वर्कर की डिग्निटी को बचाए रखना चाहिए. फेमस हमारे जो फ्रेंच लीडर थे नेपोलियन बोनापार्ट, उनका भी यही मानना था. दे कम टू द वेरी नैरो ब्रिज, एक बार वो जा रहे थे एक बहुत ही छोटे ब्रिज पर और सामने से एक वर्कर वहाँ से पास आउट हो रहा था. तो नेपोलियन बोनापार्ट के साथ उनके जो जनरल थे वो साथ में थे. जनरल ऑर्डर द मैन टू गो बैक एंड अलाउ नेपोलियन टू क्रॉस फर्स्ट. तो जनरल ने ऑर्डर दिया उस आदमी को जो सामान हैवी लोड्स लेकर आ रहा था, तो उसको वापस जाने के लिए बोला, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जनरल को कहा कि आप उस आदमी को जाने दें जो कि वहाँ पर जा रहा होता है और कैरी लोड्स, हैवी लोड्स लेकर जा रहा है. यानी कि नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट वर्क वन इज डूइंग, द फैक्ट दैट ही इज वर्किंग मेक हिम इम्पोर्टेंट. जो वो काम कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो छोटा और बड़ा नहीं होता. ऐसा हमें लेबर्स के लिए रेस्पेक्ट से बोलना चाहिए. हमारे जो और सोशल रिफॉर्मर हैं जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका भी मानना था कि हमें वर्कर्स की डिग्निटी को प्रमोट करना चाहिए. महात्मा गांधी इन इज आश्रम ऑलवेज यूज टू से एवरी जॉब और वर्क इज द वर्शिप ऑफ गॉड, यानी कि हर एक काम और काम को करने वाला ही भगवान की पूजा है. यानी कि अपने वर्क को अपनी डिग्निटी और हॉनर्स के साथ करना चाहिए.